वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साल 2023 में आई तेलुगु मूवी मंगलवारम के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मंगलवारम मूवी को 800 स्क्रीन्स के साथ वर्ल्ड वाइड में रिलीज किया गया था, जिसकी स्टारकास्ट में हमें पायल राजपूत, दिव्या पिलाई और नंदिता श्वेता जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिले थे। मूवी के अगर प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो मूवी ने 12 करोड़ 50 लाख रुपीस का रिलीज से पहले प्री रिलीज बिजनेस किया था। वहीं पर अगर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन परफॉर्मेंस की बात करें तो मूवी ने अपने पहले दिन 2 करोड़ 75 लाख रुपीस की ओपनिंग ली थी। मूवी ने जो फर्स्ट वीक में टोटल कलेक्शन किया था वो 11 करोड़ 65 लाख रुपीस का किया था। मूवी के अगर इंडिया के टोटल नेट कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 16 करोड़ 25 लाख रुपीस का नेट कलेक्शन किया था। वहीं पर अगर मूवी के इंडिया के टोटल ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 2 करोड़ 85 लाख रुपीस का ग्रॉस कलेक्शन किया था। वहीं पर मूवी ने ओवरसीज मार्केट से 2 करोड़ 25 लाख रुपीस का कलेक्शन किया था। और इसी के साथ मंगलवारम मूवी ने जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन किया था वो 21 करोड़ 35 लाख रुपीस का किया था। मूवी का बजट 20 करोड़ रुपीस का था। 20 करोड़ रुपीस के हिसाब से मंगलवारम मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगर आपने अभी तक टॉप 10 ओरिजिनल साउथ मूवी वर्सेस टॉप 10 रीमेक बॉलीवुड मूवी का कंपैरिजन वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए।